पब्लिक मंच के सभी प्यारे श्रोता बंधु, इस खबर में हम आपको बताएंगे कि दलित वोट पर सपा ने फोकस बढ़ाया तो बीएसपी बेचैन हुई और मायावती की भतीजे ने अखिलेश पर तीखा हमला बोल दिया। तमाम जानकारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जानकारी इस खबर की प्राप्त होने के बाद ये वीडियो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस खबर से रूबरू हो सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ये आज की वीडियो। सपा बसपा को कांचीराम के सिद्धांतों से भटकी हुई पार्टी बताकर दलित वोटों पर दावेदारी पेश कर रही है तो बसपा में बेचैनी पड़ गई है। अब मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को रायबरेली में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के गुरु कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण के बहाने पर दलित वोटों पर अपनी दावेदारी पेश की। इसे लेकर बसपा में बेचैनी बढ़ गई है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। आकाश आनंद ने मंगलवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में बसपा संस्थापक कांशीराम के सदन में दिए गए एक बयान का पुराना वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ये सपा वाले मान्यवर साहब की प्रतिमा का अनावरण क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सत्ता की मास्टर चाबी बहन जी के हाथ में जा रही है। चौकन्ना रहना साथियों, मान्यवर साहब ने पहले ही ऐसी ताकतों से सतर्क रहने को कहा है। जय भीम। वीडियो में बसपा संस्थापक कांशीराम लखनऊ में कांग्रेस सरकार द्वारा अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा था, कांग्रेस वाले यूपी में यूनिवर्सिटी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको खतरा है कि उत्तर प्रदेश में अंबेडकर को मानने वाले लोग मास्टर की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। आकाश आनंद ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, मान्यवर साहब और आदरणीय बहन जी के संघर्षों का ही नतीजा है कि जो लोग अब तक हमारे महापुरुषों का अपमान करते नहीं थकते थे, आज उनको भी हमारे महापुरुषों के शरण में आना पड़ रहा है। वोट की राजनीति क्या ना करा दे, लेकिन बहुजन समाज सब देख भी रहा है और सब समझ भी रहा है। आकाश आनंद यही नहीं रुके, अपने अगले ट्वीट में उन्होंने सपा राज में जिले के नाम बदले जाने का मुद्दा उठाया और अखिलेश यादव पर बहुजन महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि मान्यवर के नाम पर रखे जिले कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर का नाम अमरोहा, छात्रपति साहूजी महाराज नगर का नाम बदलकर गौरीगंज, माता रामाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात, प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली, महामाया नगर का नाम बदलकर हाथरस कर दिया गया। ऐसे ही कई और बहुजन महापुरुषों का अखिलेश जी ने अपनी सरकार में अपमान किया और आज वापस सत्ता में आने के लिए आपको हमारे महापुरुष याद आ रहे हैं। अखिलेश जी, मानवर साहब की प्रतिमा के अनावरण के साथ साहेब की विचारधारा को भी आप अपनाते तो बेहतर होता। बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच ताजा खिंचतान दलित वोटों पर समाजवादी पार्टी द्वारा दावेदारी जताए जाने के बाद शुरू हुई है। बता दें कि सोमवार को अखिलेश यादव ने रायबरेली के एक डिग्री कॉलेज में बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर दलित समाज को साथ आने का न्योता दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था, जिनके सियासी सफर की शुरुआत कांशीराम के शिष्य के तौर पर हुई थी। कांशीराम के दौर से जुड़े बसपा के कई अन्य पुराने नेता भी पिछले दिनों सपा से जुड़ गए हैं। अब अखिलेश 2024 से पहले बसपा के आधार वोट बैंक को सपा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को रायबरेली की सभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर अपने गुरु कांशीराम के सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अब समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। तो दोस्तों, आज की खबर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।